यार, आज फिजिक्स में मेंटिकल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इनक्लाइन ऑफ हाइट एच डनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द इनक्लाइन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लाइन डू यू नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन देखो अपन ने क्या करा देखो क्या बोल रहे हैं समझा देते ना ये बोल रहे हैं कि भाई मान लो इनक्लाइन की हाइट h है तो तुम्हारा जब ये बॉक्स नीचे जा रहा है, है ना? तो या, रेस्ट से छोड़ा है तो यहाँ पे जब वो फाइनली नीचे जा रहा है तो उसकी जो स्पीड हो रही है, है ना? तो ये, इनका कहने का मतलब है कि अगर हाइट को सेम रख के एंगल चेंज कर दे जैसे मान लो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे मान लो एंग्सटी डिग्री है ना ये दूसरा ले लो ने दूसरा अलग ही फिगर बना दिया यहाँ पे भी मान लो हाइट एच है सेम हाइट है और अपन ने एंगल कर दिया थर्टी डिग्री तो अब यहां पर जो स्पीड आ रही है अब यहां पर जो स्पीड आएगी से मान लो है ना यहां पर तो क्या ये दोनों स्पीड सेम होंगी अलग अलग होंगी और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या हमारे पास सफिशियंट डेटा है या फिर कुछ कंडीशन होगी तो ये कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं तो क्या है डू यू नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन यस वी डू हमको फ्रिक्शन की इंफॉर्मेशन दो भैया कि म्यू कितना है आंसर उस पर डिपेंड करेगा तो यहां पे दो केसेस बन रहे हैं लोगों पे कुछ काम धंधा नहीं है ब्रह्मांड में मतलब समझ में नहीं आता दिन भर कॉल 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 हाँ तो बिल्कुल कहां थे अपन हाँ यहां पर दो केसेस बनेंगे भाई यहां पर दो केसेस बन रहे हैं बनाओ दो केसेस केस वन केस वन म्यू इज जीरो मतलब स्मूथ है और केस फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल म्यू इज नॉट जीरो सरफेस है तो केस वन में क्या होगा केस वन में क्या होगा तो केस वन में दोनों की स्पीड सेम होगी बी डैश विल बी इक्वल टू वी नॉट क्यों क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीधी सी बात है यार क्योंकि केस वन में क्या हो रहा है इस इसपे देखो एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन से हैं अगर तुमने इस तरह क्वेश्चन करें नॉर्मल है एम तो इंटरनल फोर्स हो गया ब्लॉक प्लस अर्थ को अपने सिस्टम माना एम जी इज इंटरनल फोर्स वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है तो जब फ्रिक्शन जीरो है

तो जब इनक्लाइन का एंगल ज्यादा है तो वो जल्दी नीचे पहुंचेगा मान लो ये वाला ब्लॉक एक सेकंड में नीचे पहुंच गया ये वाला ब्लॉक मान लो दस मिनट में नीचे पहुंचा पर दोनों सेम स्पीड के साथ नीचे पहुंचेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है काइनेटिक एनर्जी सेम सेम है है मास है, तो भाई सेम स्पीड के साथ नीचे पहुंचेंगे तो स्मूथ वाले केस में आंसर इज यस तो क्या क्वेश्चन क्या था तो द द द बॉटम ऑफ डिपेंड ऑन एंगल ऑफ द इनक्लाइन नो इट डज नॉट तो इसका आंसर हो गया केस वन में आंसर हो गया तुम्हारा नो केस का आंसर क्या होगा? नो, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रही इनकलाइन तो yes. के एंगल पर डिपेंड करेगा क्यों क्योंकि इनके जितना कम होगा ये डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं पता हमने वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा नहीं है तो मैं फिर से निकाल दूंगा तुम खुद भी निकाल के देखते हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का अपन एरोडो की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी याद करो है ना है ना तो अपन ने देखा था भाई कि, कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो हमेशा तुम्हारे यही निकल के आता है म्यू एम जी इंटू हरिजोंटल डिस्टेंस म्यू एम जी इंटू हॉरिजोनटल डिस्टेंस और इस केस में क्या हो रहा है ये डिस्टेंस बढ़ गया

काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लाइन आंसर इज यस आई थिंक केस वन केस टू दोनों ही तुम्हें क्लियर है ना ठीक है इसको खुद से सॉल्व करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चलो आगे बढ़ते ना